छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। लड्डू, हे लड्डू। अबे वाह भाई वाह, आज तो खानदानी लग रहा है भाई, खानदानी लग रहा हूँ ना वली फिंगर दिला। मजाक कर रहा हूँ ससुर जी, कम तो आप भी नहीं लग रहे। मैं तो हमेशा ही अच्छा लगता हूँ। तुम आज अच्छे लग रहे हो। ताली बजाओ। हनी जी, गुलाम साहब जी, लड्डू रानी बेगम, नाश्ते का क्या हुआ? छोड़ो बस, नाश्ता छोड़ दो, लेकिन इतना सुन लो कि नाश्ते में अब क्या क्या हुआ करेगा। नाश्ते के टेबल पे डबल रोटी, अंडा, मक्खन, जैली और वो तमाम चीजें जो नाश्ते की रौनक हैं, वो टेबल पे होना जरूरी है नाश्ते। मेरे लिए हॉट कॉफी और पेन केक खाऊंगा। हाँ। वो गुलाम साहब, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो, जल्दी से पूछो, दफ्तर को देर हो रही है। मैं क्या, मैं कभी ऑफिस नहीं जाऊंगी। तानी बेगम, आपने जो गुल खिलाया है ना, उसमें ऑफिस तो क्या, हमें जाना पड़ता है ईदी सेंटर, समझी? इसलिए ऑफिस को भूल जाए, आप घर गृहस्थी संभालें और मर्दों का काम करने दें। जी ठीक है। क्या हो गया लड्डू, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब पता है मुझे, इस खेल में बराबर की शरीक थी तुम। या तो तुम अब ऑफिस चल के काम करो या घर के सारे काम संभालो। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ वही जो तुम सुन रही हो, चाहो तो सफाई वगैरह के लिए नौकरा नहीं रख सकती हो, क्यों ससुर जी? हाँ, लेकिन घर का खाना पकाना और चाय बनाना, ये इन खवातीन का ही काम होना चाहिए। जी ठीक है। और हाँ, घर का खास तौर से ध्यान रखिएगा, इसलिए कि आज घर गृहस्थी का आपका पहला दिन। जी गुलाम साहब। ओहो साहब, चलो भाई लड्डू, ऑफिस को देर हो रही है। हाँ भाई, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। आ जाए। अल्लाह हाफिज। घर का ख्याल रखना। हनी तुम भी। जी। हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ खड़ा है, पांव की मट्टी न छोड़े, जिसको जो चीज चाहिए आवाज दे और तलब फरमा। जी ससुर जी, हाँ कर रहे हो ससुर जी। हाँ क्या? मंजन नहीं भेजना। अच्छा। बहुत सो यहाँ के काम की बात करो। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि आज जो आप सबको इकट्ठा मैंने यहाँ बुलाया है, इसका मतलब ये है कि आपको ये बता सकें कि आज से इस दफ्तर का बॉस बदल चुका है, अब ये दफ्तर लड्डू और मेरे मातहत चलेगा। तालियां। और मैडम कहाँ गई? मैडम, वो उन्हें गैर फाल कर दिया गया है, अब वो घर के काम कर रहे। वो तो आप करते थे। आप लोग मेरी बात सुने, अब आप लोग के कोई भी पुराने से पुराने मसाइल हो और आपका कोई भी जाती मसला हो तो अब मेरा मतलब है आप हमारे पास लेकर आए, हम मिलकर हल करेंगे। हाँ, और सफाई सुथराई का ख्याल रखें, दिल लगा के काम करें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, आपको राय दूंगा, मशवरा दूंगा कि आप अपने जेब में एक कपड़ा रखें और जहाँ आप गंदगी देखें, धूल देखें, मट्टी देखें, आप कपड़ा जेब से निकालें और सफाई शुरू कर दें। ससुर जी का मतलब है कि अब आप लोग जो भी काम करेंगे बहुत साफ शफाफ तरीके से करेंगे, कोई भी चीज ऑफिस में एक दूसरे से छुपी नहीं होनी चाहिए। क्यों ससुर जी? यही मेरा मतलब लड्डू मियां, यही था। तो अब आप लोग खड़े हैं, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाए जाके अपना काम शुरू करें। चलो भाई काम करो। कहाँ जा रहे हैं ससुर जी? घर जा रहा हूँ काम करने यार। अरे ससुर जी, अब हमारा यही काम है, अभी तो दिन शुरू हुआ है। अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ जाओ जाके, हम अपनी कुर्सियों में बैठेंगे अपने कमरे में। आओ भाई, आओ लड्डू, आओ आ जाए। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर तो आप आ चुकी हैं। बोलिए। सर, ये ऑर्डर की रसीद है, इसे साइन कर दें। mm-hmm.
सर ये सिर्फ ऑर्डर की रसीद है, साइन कर दें। हाँ 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 मुझे मालूम है ऑर्डर की रसीद है, क्या बता रही हो मुझे तुम, साइन कर देना, साइन कर दो। इसे फैक्स कर दो। फैक्स? ये ऐसे कह रही हूँ जैसे पहली बार फैक्स का नाम सुना। सर हमारे यहाँ फैक्स मशीन नहीं है। क्या ऑफिस में फैक्स मशीन नहीं? नहीं सर। एडमिन को बुलाओ। क्या कर रहे हैं ससुर जी आप? क्यों क्या हुआ? ईमेल के जमाने में फैक्स कौन करता है यार? अरे यार यार ये तो मेरे जहन में रहा ही नहीं है। अब आए तो मना कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। सर ये रहे एडमिन वाले साहब। आप एडमिन में? जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हमारे ऑफिस में कोई फैक्स मशीन तो नहीं है? नहीं सर, अगर आप कहें तो मैं मंगा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, किसने कहा आपसे कि फैक्स मशीन मंगाएं? हैं? अच्छा हुआ कि हमारे ऑफिस में फैक्स मशीन नहीं है, इस जदीद दौर में कौन फैक्स देखता है। लेकिन सर आपने ही तो कहा था। हाँ हमने तो जानबूझ के पूछा था। मैं ये देखना चाहता था कि हमारे स्टाफ में कितने होशियार लोग हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। जाओ तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो, अपनी सीट पर जाओ, शाबाश। ठीक है सर। और हाँ हमारे ऑफिस में कोई गैर जरूरी अशिया ना हो। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। जाओ। ठीक है सर। शाबाश। ठीक है मैं बेहतरीन बॉस बॉस। सुनो जी बाजी, तुमने सारा खाना बना लिया? जी बाजी। अच्छा सुनो, शाम से पहले ना सारा काम करके चली जाना, और गलती से भी मुंह से ये ना निकले कि खाना तुमने बनाया। ठीक है बाजी, मैं क्यों बताऊंगी। आवाज बढ़ाओ ना। वैसे हनी पूरी तो ये जिंदगी भी नहीं है। हाँ मम्मा, वैसे बोल तो आप बिल्कुल सही रही हैं। भाई अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ ना, मैं तो थक गई हूँ जिम्मेदारियां निभाते निभाते। हाँ ना, और अब वैसे भी आपके आराम के दिन आ गए। लेकिन हनी ध्यान रहे, तुम्हारे पापा और लड्डू को कानो कान खबर ना हो इन सब चीजों की। मगर मम्मा वो क्यों? अरे भाई हमने क्या कम जुल्म किए उनके ऊपर, बदला तो वो भी लेंगे ना फिर। ये बात तो ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब पता चलेगा इनको कि ऑफिस के काम कितने मुश्किल होते हैं। अरे घर के काम तो बहुत ही आसान है, ऑफिस के झमेलों से तो चकरा जाएंगे ये देख लेना तुम। अब वैसे मामा आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? अरे बेटा जिंदगी बीत गई है मेरी इन ऑफिस के चक्करों में, मुझे सब मालूम है। अरे मामा फिर तो बहुत अच्छा हुआ आपकी जान ही छूट गई उससे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खा रहे हैं दिखाना जरा। भाई वो भाई ये गुलाम लोग कहाँ हैं? वो दोनों ऑफिस गए हैं। किसके? अपने और किसके? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लेने गए हुए होंगे। जी नहीं, अब वो लोग काम करेंगे। हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, ये मौजा कब हुआ? आज ही से। मगर क्यों, ऐसा क्या हुआ भाई? अरे भाई बहुत मेहनत कर ली मैंने, अब उनका वक्त है वो बाहर का काम देखे ना। हाँ और हम लोग का घर पे आराम करने का वक्त है। अच्छा हैरत है, तानी बेगम देख ले कहीं इस तबादले में कहीं माली नुकसान ना उठाना पड़ जाए। भाई अब क्या नुकसान रह गया, सब कुछ उन्हीं का ही तो है। क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं, ये बताइए कि आप कुछ खाएंगे? नहीं भाई नहीं भाई, मैं मजीद आपके हाथ के पके हुए खाने का रिस्क नहीं उठा सकता। ऐसे आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी, आज से मैं भी कोई काम शुरू करता हूँ। अब क्या काम? भाई कुछ ना कर सका तो घर के बाहर चिप्स का ठेला ही लगा लूंगा। ठीक है, अगर आप उदास ना हो तो मैं
जाऊं, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है, आप जा सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। रास्ते में ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुफ्त खोरे, लगा हुआ नहीं, इतना अच्छा प्रोग्राम आ रहा था, पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरिया। चूहे बिल्ली का है खेल, काश के हो जाए आजाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बना रखा है। अरे ससुर जी, अभी तो 4 बजे। क्या? अच्छा, अबे क्या कह रहा, 4 बजे? अभी तक 4 ही बजे, इतना काम करने के बाद अभी 1 घंटा और बाकी है काम का। जी यार बात सुनो, इससे अच्छा तो घर आ यार, वहाँ ये सब झमेले तो नहीं है ना। अरे ससुर जी, अब जिम्मेदारी उठाई है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ना। यार जज्बाती हो के जिम्मेदारी ले ली लड्डू, तो जज्बाती होगी निभा भी ले। लेकिन आज का दिन देख के लग रहा है कि निभा नहीं पाएंगे हम। क्या बात कर रहे हैं ससुर जी, आप जिंदगी में पहली बार मम्मी जी और हनी के सामने मुंह खोला है, क्या चाहते हैं आप? उनके सामने आज ही के दिन हमारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए? हाँ नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, नहीं अर्गिज नहीं गड्डू नहीं। तो फिर हौसला रखें। कहाँ रखूँ ससुर जी, एक काम करते हैं, हम दोनों बाहर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनका दिन कैसा गुजर रहा है। बात को गौर से सुनिए हमारी। जी सर, हुकुम करें। मुझे बताइए कि आप लोग की छुट्टी का टाइम क्या है? सर 6 बजे का है। 6 बजे? यार लड्डू जुल्म है यार, जुल्म है। जी सर, अब क्या कर सकते हैं? देखो भाई, आज से तुम सबका छुट्टी का टाइम है 5 बजे, ठीक है? और भाई घर जाके हमें बर्तन धोने पड़ते हैं, खाना पकाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है ना। अरे ससुर जी, ससुर जी का मतलब है कि आज से ऑफिस में ही देर तक बैठना बंद, ठीक है? सब अपने घर जाएं, अपने घर जाकर काम करें। और ऑफिस के काम का क्या है, आज जो काम रहेगा वो कल हो जाएगा, क्यों भाई? हाँ खड़े में सब लोग खामोशी से तालियां। एक साल कब हुआ है भाई? एक साल नहीं, एक महीना। हाँ एक महीना नहीं, एक दिन। अरे एक दिन नहीं, एक घंटा। हाँ एक घंटा कम हुआ है भाई। अब देखो भाई बात सुनो, इस मुश्किल फैसले पर अमल दरामद मैं खुद से शुरू करूंगा, ठीक है? आप लोगों को खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी। अरे यार, अरे ससुर जी, शुक्र है यार दिन तो गुजरा यार। हाँ ससुर जी सही कह रहे, लेकिन थकन कितनी हो गई, कितना काम किया हम लोगों। सर 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 सर, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे अपने घर जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया सर? अबे क्या हो गया भाई, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? हम अपने घर जा रहे हैं, तेरे थोड़ी। चलो सर, मेरा मतलब है आज मीटिंग में जाना है, बताया तो था आपको सुबह। मीटिंग? मीटिंग में जाना है? क्या मीटिंग आज करना बहुत जरूरी है? जी सर। तुमको फोन करके कह दूं कि मीटिंग कल होगी, हम लोग आज वो थक गए हैं। अरे यार जिनके पास मीटिंग में जाना है उनसे कह दो फोन करके कि तानी बेगम की कंपनी बिक चुकी है और अब नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया। कैसी बातें कर रहे हैं सर? अबे तुझे उर्दू में बोलने समझ नहीं आ रही, लगा तेरे कान के नीचे। सर रुक जाए प्लीज, सर रुक जाए। यार इसको देख रहा, ये देखिए जी बात करते हुए देखा इसको, ये खुशी और गम दोनों की खबरें एक तरह से सुनाता है। के सर पुश्तियाग भाई के अब्बा की डेथ हो गई है, तो गम की हो गई। सर वो आपका 10 लाख का बॉन्ड खुला है। ये चलो ससुर जी, चलो 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 ससुर जी, गाड़ी चलाओ। सर रुक जाए, सर रुक जाए प्लीज, गाड़ी चलाओ। सर रुक जाए, मीटिंग है सर प्लीज। सर सर रुक जाए, सर सर रुक जाए प्लीज, सर रुक जाए।
बैग कहाँ है? बैग गाड़ी में रहने दे। भाई माशाल्लाह 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 भाई, अब आज तो साहब लोग ऑफिस से आ रहे हैं। अरे यार जाओ यार, वैसे ही बहुत थक गए हम यार, चलो यार। कमाल है भाई, मैं तो आप लोगों की तारीफ करने आया था। तारीफ कैसी भाई? देखे ना, आप लोग हमेशा थाने कचहरी से आते थे, आज पहली दफा दफ्तर से। हाँ बस ऐसे ही है यार, ऐसे ही। चल भाई चल भाई। दोपहर को घर गया था आपके, मैंने देखा कि तानी बेगम और हनी हो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। भाई मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। क्या मतलब? भाई मैंने देखा मौसी घर का सारा काम कर रही थी और तानी बेगम और हनी भाई दोनों माँ बेटी लुफ्त अंदोज हो रही थी। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। अच्छा हुआ प्यारी मियाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ आपने ये सारी बात बता दी हमें। क्यों भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं हरगिज नहीं, बल्कि आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई हमें। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ मैं। जी जी, नवाजिश आपकी, नवाजिश। भाई माशाल्लाह, सूट में भी आप दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। ससुर जी, सुना आपने? हाँ सुन लिया। वो मासी, वो खाना पकाना, वो कपड़े धोना, बर्तन धोना। हाँ आओ कहानी सुनने चल के आ जाए। ये देखो टीवी चल रहा, किसी का पता नहीं। तानी बेगम, हनी, आ गए आप? जी हाँ, बहुत भूख लगी है। आप चलिए ना, खाना तैयार है। ये खाना किसने बनाया है? मैंने और हनी ने, और कौन है यहाँ पर? तानी बेगम जरा आइए बैठिए। आइए हनी बेगम जी, अच्छा। आप भी बैठिए, बैठ जाइए। भाई मैंने मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। क्या गलत किया? यही कि मैंने आपको घर बिठा दिया। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं मम्मी जी, बिल्कुल ऐसी ही बात। और आप देखे ना, हनी भी मुस्तकिल काम करती रहती है, इसलिए हमने सोचा है कि अब कल से आप ऑफिस जाएंगी, ठीक है, और हम यहाँ घर पे। और हनी आप भी अब घर के सारे काम करेंगी, बहुत तोड़ ली मुफ्त की रोटियां। तानी बेगम कल से आप ऑफिस जाएंगी और फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो ऑफिस आपका नहीं, यानी आप उसकी मालिक नहीं होंगी। ये आप क्या कह रहे हैं गुलाम साहब, क्या हो गया आपको? हाँ ना लड्डू, ये क्या बात हुई अचानक से ये सब? बात ये है कि इतने पैसे आने के बाद भी अगर हम गधों की तरह काम करते रहे तो क्या फायदा इतने पैसे का? क्यों लड्डू? सही कह रहे ससुर जी, अब तो वक्त आया अपना। हाँ तो बस तानी बेगम कल से आप ऑफिस। जी गुलाम साहब। और हनी कल से किचन का सारा काम संभालो, समझी? मैं पापा आपके होते हुए कोई नखरे नहीं चलेंगे तुम्हारे, समझी? लड्डू, ए लड्डू, एक छोटी सी बात। देखो जब ये घर तानी बेगम के बाप का था तो तानी बेगम यहाँ की रानी थी, अब ये घर हनी के बाप का है तो थोड़ा तो हक बनता है ना इसका। गुलाम जी, सुसर जी, आज बनाया तो सही मानों में घर दामाद। हाँ और ये घर दामाद का घर दामाद। किससे बातें कर रहे हैं ससुर जी? अपने दामाद से। आप बिरयानी बना रही हैं और आपको ये नहीं पता कि बिरयानी में क्या क्या डलता है? गुलाम ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है, जाइए और सब चीजें लेकर आइए, यही मुगलों का स्टाइल होता है। बताइए ना मामा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हनी मैं बिरयानी बना रही हूँ, कोई हुकूमत थोड़ी बना रही हूँ कि कैसा लग रहा है। बिल्कुल, तो फिर मैं कब आऊँ? किस लिए?
अरे भाई बिरयानी खाने के लिए और किस लिए? लो भाई सारी दुनिया को मालूम है कि तुम्हारी बेगम ने नेट पे ऐलान कर रखा है। आपने उसको ऐड कर रखा है? भाई उन्होंने मैं एक्सेप्ट कर रखा है। देखो कुछ जलने की बुआ रही है ना, आ रही है ना लड्डू। असुर जी लड्डू। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर का मां, घर का मां, घर का मां।